भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज के इस कार्यालय के शुभारंभ के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित इससे लोकसभा के जिले के प्रभारी मंत्री माननीय जावर सिंह जी खड़ा साहब, पूर्व एडीएस मंत्री और हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय श्रीचंद जी भाई साहब, राजस्थान सरकार में मंत्री के रूप में हमारे जिले का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भाई गौतम जी दर साहब, हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय अर्जुनलाल जी जिंगल साहब, माननीय सुरेश जी धाकड़ साहब, वल्लभ नगर के विधायक माननीय उदयलाल जी डांगी, पिथलिया जी उदयलाल बडाणा जी, हमारे पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष माननीय मिठूलाल जी दास साहब, चंद्रगुप्त सिंह जी, गोपाल कुमार जी, जिला प्रमुख जी, मैं पीछे देख लू कोई नाम, माननीय सीधे साहब, हमारे आनंद जी, हमारे मिथिलेश गौतम जी जो प्रदेश के मंत्री हैं, हमारे झालावाड़ के माननीय विधायक बन रहे बारा के, और यहाँ उपस्थित सभी ये हमारे सहल और सरल स्वभाव के ऐसे विधायक हैं जो हमेशा से संगठन के काम को प्राथमिकता देते हुए काम करते हैं, और सभी हैं, लेकिन ये इसकी सादगी हमेशा हम जिले में प्रभावित करती है। मनसा सिंह सभी हमारे पार्टी के रावणिया जी गर्जन सभी नाम, सभी पार्टी के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हमारे नेतागण, और इस लोकसभा के संयोजक रंजीत सिंह जी, और यहाँ पर से सभी देवतों के कार्यकर्ता बंधुओं, युवा साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार मित्रों, सबसे पहले तो मैं आप सबका और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूँ कि मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी ने 2014 में चित्तौड़गढ़ से, मैं पार्टी का उसमें आप जिला अध्यक्ष था, साधारण कार्यकर्ता को लोकसभा की सबसे, देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत में मुझे मौका दिया, और आप लोगों ने आशीर्वाद देकर लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत में मुझे भेजा, और आज पार्टी ने फिर से यह अवसर दिया है, और आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है। मैं हृदय की गहराई से आप सबका, पूरे लोकसभा क्षेत्र की जनता का और शीर्ष नेतृत्व का हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूं। चूंकि आज मैं सुनने आया था कि सभी हमारे, मुझे आज कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप लोगों के आशीर्वाद से मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैंने चित्तौड़ की धरती पर जन्म लिया, यहां के लोगों का आशीर्वाद भी मिला, तो दुनिया के कुशल नेतृत्व में मुझे काम करने का भी अवसर मिला। संसद के उन पलों को, उन क्षणों का साक्षी बनने का गौरव भी मिला जब देश ने नए आयाम स्थापित किए, उन क्षणों को भी मैं उस सदन में रहने का मुझे अवसर मिल पाया। मुझे अभी 2 दिन पहले जयपुर में किसी कार्यक्रम में कई मीडिया के साथी मिले, तो उन्होंने कहा कि क्या रहेगा राजस्थान में। मैंने उनको सिर्फ यही कहा कि एक तरफ वो नेतृत्व है जो वर्ष में कई दिन विदेश में अपने निजी कामों के लिए, यात्रा के लिए, मौज आनंद के लिए जाता है,
और दूसरी तरफ वो नेतृत्व है जो 23 वर्षों में एक घंटा भी एक पल भी अपने लिए खर्च नहीं किया, अपनी मातृभूमि के लिए और पार्टी के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, जनता के लिए, जिन्होंने 23 वर्ष मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहते हुए अपना पल पल अपना क्षण क्षण मां भारती के लिए इस देश को अपना परिवार मानकर काम किया। और इसीलिए लोग कहते हैं कि 10 वर्षों में जो कोई नहीं कर पाया, जो कभी कल्पना भी नहीं की थी, जो असंभव था उसको भी संभव करके दिखाया, तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। अब बारी देश की जनता की है, प्रदेश की जनता की है। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि हमारे वोट की ताकत क्या होती है, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि आपके वोट की ताकत के कारण गरीब को मकान मिल सकता है, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि वोट की ताकत के कारण हर व्यक्ति का बैंक में खाता खुल सकता है, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि वोट की ताकत के कारण हर मातृशक्ति को घर इज्जत कर मिल सकता है, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि वोट की ताकत के कारण जहां धुएं से परेशान बहनों को उज्ज्वला का कनेक्शन मिल सकता है, एक वोट की ताकत के कारण आयुष्मान कार्ड मिल सकता है, एक वोट की ताकत के कारण मेडिकल कॉलेज खुल सकता है, एक वोट की ताकत के कारण पासपोर्ट ऑफिस खुल सकता है, एक वोट की ताकत के कारण नई रेलवे लाइन आ सकती है, एक वोट की ताकत के कारण ब्रॉडगेज गेज मीटर गेज से ब्रॉडगेज हो सकती है, एक वोट की ताकत के कारण इलेक्ट्रिसिटी रेलवे में हो जाती है, एक वोट की ताकत के कारण अमृत स्टेशन बन जाते हैं, एक वोट की ताकत के कारण रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट लग जाती है, एक वोट की ताकत के कारण एयरपोर्ट पे बड़ा काम हो जाता है, एक वोट की ताकत के कारण किसानों को मुआवजा खराबे का मिल जाता है, एक वोट की ताकत के कारण अभी किसानों को लाइसेंस मिल जाते हैं, एक वोट की ताकत के कारण 4 लेन से 6 लेन बन जाता है, एक वोट की ताकत के कारण ग्रामीण सड़कें बन जाती है, एक वोट की ताकत के कारण हर घर जल योजना में पीने का शुद्ध पानी पहुंच जाता है, एक वोट की ताकत के कारण कीड़े के ऊपर दूर के ऊपर गलत इतिहास लिखा हुआ माँ पद्मिनी के ऊपर पत्थर हट जाता है, गौरवशाली इतिहास लिख जाता है, एक वोट की ताकत के कारण कीड़ा जगमगाने लगता है, एक वोट की ताकत के कारण रोप वे स्वीकृत हो जाता है, एक वोट की ताकत के कारण चित्तौड़ में रिंग रोड बन स्वीकृत हो जाती है, एक वोट की ताकत के कारण प्रतापगढ़ में बाईपास का काम चालू हो जाता है, एक वोट की ताकत के कारण इस क्षेत्र में खुशहाली आ जाती है, एक वोट की ताकत के कारण कश्मीर से धारा 370 उठा के फेंक दी जाती है, एक वोट की ताकत के कारण 500 वर्षों पुराना हमारा सपना अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर, और हम सब लोगों ने देखा है और मैंने विधानसभा चुनाव में भी कहा, एक दिवाली अभी मना रहे हैं जो पूरा देश अयोध्या में प्रभु श्री राम युद्ध जीत कर आते हैं, पूरा देश उसको दिवाली के रूप में मनाता है। और दूसरी दिवाली हमने मनाई थी राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद, और तीसरी दिवाली मनाई थी अयोध्या में दिव्य और भव्य मंदिर में राम लला के विराजमान होने के बाद। आज उदयराज चौधरी जी भी आज ज्वाइन किए हैं। अभी पिछले 6 महीनों में आप लोगों के आशीर्वाद से पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया, कई लोगों ने भारतीय पार्टी ज्वाइन की, उनके मन में दर्द था कि आपने इतने वर्षों तक आजादी के बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम लला का मंदिर बने नहीं बने इसके लिए कोर्ट में लटकाया अटकाया, लेकिन अब मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी की अगुवाई में वो देवी और भव्य मंदिर बन गया, उसमें ट्रस्ट ने आपको निमंत्रण दिया तो उसको निमंत्रण को भी आप ठुकरा दिया, वो ठेस हम पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम कैसे उस पार्टी उससे उनके साथ रह सकते जिन लोगों ने धारा 370 हटे का विरोध किया, हम कैसे उन लोगों के साथ रह सकते हैं जब भारत और चीन की सीमा पर तनाव था, तब वो लोग चीन के राजदूत के साथ आनंद ले रहे थे, हम कैसे उन लोगों के साथ रह सकते हैं जब उनकी सरकार होते समय जब पाकिस्तान की सीमा में कोई सैनिक उतर जाता था तो उसके
किडनी आंखें नाखून नोज के या हिंदुस्तान छत्र उत्सव भेज दिया जाता था। हम उनके साथ हैं जिनके नेतृत्व में 72 घंटे में कैप्टन अभिनंदन हिंदुस्तान सुरक्षित लौट के आया। और ये ठीक कहा, मैं भी सभी से हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने दुनिया, कोई जमाना था तब दुनिया की तरफ हम देखा करते थे, लेकिन जमाना बदला है, आज दुनिया भारत और भारत के प्रधानमंत्री की तरफ देखती है, उनका अनुसरण करती है। आज जमाना बदला है, कोई जमाना था जब हम फ्रेजाइल इकोनॉमिक में कमजोर अर्थव्यवस्था में हिंदुस्तान आता था, अब जमाना बदला है तो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान बना है। और मोदी जी के तीसरे कालखंड में भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा, ये मोदी जी की गारंटी है। इसलिए मेरा आप सबके चरणों में इतनी कामना है, मैं 3 बातें आपसे मांगता हूं कि लोकसभा चुनाव तक जब तक मतदान नहीं होगा, लाभार्थी संपर्क अभियान चल रहा है, हर घर तक हर व्यक्ति के पास हम लोग पहुंचने का काम, 6 तारीख को नारी शक्ति का एक बड़ा कार्यक्रम हर ग्राम पंचायत में है, कोई जिला ऐसा नहीं होगा जिसमें सेंट्रल ग्रुप की 1 लाख माताएं बहने नहीं होगी, और उन माता बहनों को 1 करोड़ माता बहनों को लखपति दीदी बना दिया, और मोदी जी ने कहा कि आने वाले 5 वर्षों में 2 करोड़ और माताओं को लखपति दीदी बनाने का काम करेंगे। नमो ड्रोन दीदी बन रही है, वो ड्रोन चलाकर किस प्रकार से कृषि में माताएं बहने किस प्रकार आगे बढ़ सकती है। मैं आपके बीच में ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहते, क्योंकि मैं जब निकला तो सुबह 7 रात को 3 बजे तो घर पहुंचा, सुबह 7 बजे निकला, लेकिन बीच में रुकते रुकते देरी हो, मैं आप सबके बीच में क्षमा चाहता हूं। लेकिन मैं आपके सबके चरणों में इतना ही कहूंगा, सीपी जोशी आपके बीच का एक कार्यकर्ता है, आपका भाई है, आपका बेटा है, ठीक कहा कि आदरणीय श्री चंद जी वैशाली जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने काम करना सीखा, और आज इस सफलता का श्रेय कहा, जब परिवार के साथ काम करते हैं तो उसके संस्कारों का लाभ भी मिलता है, और वही कारण है कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी थी लगभग 1 वर्ष होने आया, मुझे नहीं लगता 1 वर्ष में मैं 25 दिन 20 दिन भी अपने घर पहुंच पाया हूं, इस क्षेत्र में आ पाया, लेकिन आपने कहा जिस दिन मुझे जिम्मेदारी मिली थी आप लोगों ने कहा कि तुम्हें यहां आने की जरूरत नहीं है, पार्टी ने जो शीर्ष नेतृत्व में जो जिम्मेदारी दी है उस काम को बखूबी निभाना, और हमने चाहे दिन हो या रात इस राजस्थान में कमल खिलाने के लिए आप सब लोगों के आशीर्वाद से इस काम को पूरा करने का काम किया। और डबल इंजन की सरकार बनने के बाद श्री विजयलाल शर्मा जी के नेतृत्व में ईएआरसीपी हो, यमुना जल समझौता, और किसी ने कल्पना नहीं की थी ये काम भी हो पाएंगे, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि वो सरकारें थी जो समाज के चुनाव आते समय घोषणाएं करती थी, लेकिन इन्होंने चुनाव की घोषणा के 30 दिन के अंदर मुख्यमंत्री बनने के बाद कहा कि हमारी माता बहनों को मात्र 450 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे, और वो काम शुरू कर दिया। हम पेंशन में 150 रुपया बढ़ाएंगे, 500 बढ़ाएंगे, लेकिन उसको क्रमशः बढ़ाएंगे 5 वर्ष में, वो भी शुरू कर दिया। एमएसपी में इतना पैसा हम सरकार की तरफ से देंगे, वो भी शुरू कर दिया। किसान के खाते में 6,000 मोदी सरकार देती है, 6,000 राजस्थान की सरकार देगी, 2,000 रुपया वो भी शुरू कर दिया, बोले 2,000 करके हम 5 वर्ष में बढ़ाएंगे। तो ये अंतर है अन्य सरकारों में, इस सरकार में। मैं आपके आप सबके बीच में इतनी प्रार्थना करते हुए कि हम सब लोग 6 तारीख को प्रत्येक ग्राम पंचायत में होने वाले मातृशक्ति कार्यक्रम में हम सब लोग वहां पहुंचे, और एलईडी वाहन जो हमारा संकल्प पत्र के लिए 2 एलईडी प्रत्येक लोकसभा में आजकल से शुरू हो जाएगी, संकल्प पत्र की पेटी भी उसमें होगी, जिस प्रकार से हम लोगों ने विधानसभा में कहा कि डबल इंजन की सरकार बनने के बाद ये काम करेंगे, वैसे भी दिल्ली के संकल्प पत्र में घोषणा में क्या होना चाहिए, ये मोदी जी अपने देश की जनता को अपना परिवार मानते हैं कि अपने कमरे में बैठकर, ऐसी कमरे में बैठकर कुछ लोगों के साथ बैठकर घोषणा पत्र नहीं बनता, बोले मेरा घोषणा पत्र बनेगा, देश के प्रत्येक मजदूर के पास जाओ, आंगनबाड़ी बहनों के पास जाओ, आशा बहनों के पास जाओ, विश्वकर्मा भाइयों के साथ पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, इंजीनियर के पास जाओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाओ, पत्रकार भाइयों के पास जाओ, कलाकारों के पास जाओ, खिलाड़ियों के पास जाओ, हर वर्ग व्यापारी होना चाहे
मजदूर हो चाहे किसान हो, हर वर्ग से नरेंद्र मोदी जी की तीसरी सरकार का संकल्प पत्र क्या होना चाहिए, ये गांव गांव ढाली ढाली जाकर उस संकल्प पत्र की पेटी में हम सब लोगों ने कलेक्ट करना है। यही निवेदन करते हुए यहाँ पर हम सब लोग अभी कई बातें कह रहे थे कि हम ये करेंगे, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चित्तौड़गढ़ लोकसभा में चाहे रेलवे हो, चाहे हाईवे हो, चाहे सड़कें हो, चाहे ईएसआई का काम हो, अभी कह रहे थे अभी बैठे बैठे अभी मुझे मैसेज आया, मैं दिल्ली से जब आ रहा था तो हमारे श्रम मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी के ऑफिस से कि भैया वो जो ईएसआईसी का हॉस्पिटल था वो 30 बेड से 100 बेड का हो चुका है, क्योंकि इसमें पहले कोई कारण था, स्टेट को लैंड देनी थी नहीं दे पाए थे, भारत सरकार ने प्रपोजल भेजा, लंबा समय लगा, कभी भारत सरकार देते नहीं पैसा लैंड का, लेकिन उसमें उसका पैसा भी दिया। अब उन्होंने कहा कि जैसा उदयपुर में 100 कमरों का बना हुआ है वैसा ही श्रमिक भाइयों के लिए चित्तौड़ में भी 100 बेड का हॉस्पिटल बनेगा। मैं आप सबके चरणों में इतनी ही कहता कि मैं आपका बीच का एक कार्यकर्ता और आपने और पार्टी ने यहाँ तक मुझे आप सब लोगों के आशीर्वाद से पहुंचाया। तीसरी बार जैसा नारा लगा रहे थे जिला अध्यक्ष जी, अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार, ये सिर्फ पार्टी का नारा नहीं है, अब ये देश की जनता का नारा बन चुका है, ये जन जन का नारा बन चुका है, ये गरीब युवा किसान महिला का नारा बन चुका है, ये शहर गांव का नारा बन चुका है, ये खेत कल्याण का नारा बन चुका है। ये नारा इसलिए बना कि सपने नहीं हकीकत बनते हैं, इसीलिए देश के लोग मोदी जी को चुनते हैं। आइए आप और हम सब लोग भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बने, भारत दुनिया का सिरमौर बने, इसके लिए मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार का नारा, ये 370 क्यों, भाजपा की 370 और एनडीए 400 पार, ये 370 इसलिए कि आजादी के समय से जो देश हिंदुस्तान जेल रहा था उस धारा 370 को भी मोदी जी के नेतृत्व में उठाकर फेंक दिया। अब हमारे मुंह से पिछले दो लोकसभा और दो विधानसभा चुनाव में जिन बूथों पर हम सबसे ज्यादा मतों से जीते हुए उन सबसे ज्यादा मतों में 370 प्लस करना है और देश में 370 भाजपा के कमल खिलाकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चरणों में 370 अर्पित करनी है। इस ध्येय के साथ नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता को आह्वान किया है। आइए आप और हम सब लोग इस माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर घर घर जाकर कमल खिलाने का काम करेंगे। यही निवेदन करते हुए आप सब से निवेदन करता हूं कि हम सब लोग अपने बूथ पर अपने शक्ति केंद्र पर इस काम को बहुत मजबूती से आप अभी तक किया है, आगे भी हम सब लोग करेंगे। यही प्रार्थना मैं आप सबके चरणों में करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।